हमारे सामने हमेशा ये इम्पॉसिबल वर्ड आके खड़ा हो जाता है, इम्पॉसिबल यानी मुझसे हो ही नहीं सकता, कुछ भी कर लो दिस इज इम्पॉसिबल फॉर मी। जब भी कुछ नया करने जाते हैं हमारा मन पहले ही बर्डन डालता है कि नहीं यार मेरे लिए असंभव है, कैसे अचीवमेंट होगा, तेरे पास तो नॉलेज नहीं है तू कैसा करेगा, तेरे पास तो रिसोर्सेस नहीं है कैसे कर पाएगा, तेरे पास तो टीम नहीं है तू कैसे ऐसा सोच सकता है कि तू भी सफल हो सकता है इसमें। हमेशा शुरुआत में हर बार हम कुछ नया करने का प्रयास करते हैं तो हमारा माइंड बोलता है दिस इज इम्पॉसिबल फॉर मी, मैं कैसे कर पाऊंगा, मैंने तो कभी इसके ऊपर काम ही नहीं किया। जब भी आप कुछ करने जाते हो तो हमेशा आपका माइंड बोलता है दिस इज इम्पॉसिबल, डोंट गो देयर। और जब आप ये सोच लेते हो कि दिस इज इम्पॉसिबल और उधर जाते नहीं हो तो आप उस राह में चलते ही नहीं हो, और जब चलोगे नहीं तो आपको कैसे पता है कि वो इम्पॉसिबल था या फिर इजी था। हर चीज डिफिकल्ट होता है होने से पहले, हर चीज मुश्किल होता है जब तक आप उसको करते नहीं हो। हर बार हर स्किल अपने आप में टफ है बट हर चीज को सीखा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में है जो बाय बर्थ सोने के चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ। सो बेहतर यह है कि जो भी थॉट आपके माइंड में आता है उसे इम्पॉसिबल यानी असंभव से तोड़ के आई एम पॉसिबल इस पर फिट करो, क्योंकि जो भी हमारा बर्डन है वो हमारे माइंड के अंदर है बट रियालिटी कुछ और होती है। जब हम उस चीज को करने जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि मैं तो यूं ही सोच रहा था, मैं तो यूं ही घबरा रहा था इससे, ये तो इतना आसान है। सो देर किसकी है, एफर्ट लगाने की, देर किसकी है, शुरुआत करने की। जब तक हम शुरुआत नहीं करेंगे एंड रिजल्ट तक पहुंच ही नहीं सकते, बट हमारा माइंड स्टार्टिंग में ही बर्डन डालता है कि ये मेरे लिए असंभव है, कैसे करेगा, इसके पास्ट में तेरे पास कुछ भी रेफरेंस नहीं है, कुछ भी ऐसा अचीवमेंट नहीं हुआ, कोई भी टीम नहीं बनाया तूने, किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म से तूने स्पीच नहीं दिया है, ये सारे थॉट का बर्डन डालता है, बोलता है ये तेरे लिए असंभव है। बट जिस दिन आपने अपने अंदर के आई एम मतलब मैं हूं, मैं करूंगा, मैं प्रयास करूंगा, जिस दिन आई एम पॉसिबल बोलने लगते हैं उस दिन से अपने लिए रास्ते बनाने लगते हैं। तो जरूरत क्या है कि आज जो भी थॉट जो भी डायरेक्शन आपको दिखता है उस पे इम्पॉसिबल अगर शब्द आया आपके लिए तो उसको आई को अलग करो, एम को अलग करो, पॉसिबल को अलग करो, फिर इसका जो मीनिंग निकलेगा यानी कि फिर जब आप उसमें प्रयास करने लगोगे आपको अपने आप रास्ते मिलते जाएंगे। ये तब तक हमारे लिए मुश्किल समझ में आता है जब तक हम उसको करते नहीं। एक बार हम कोई भी चीज करने लगते हैं तो बड़े से बड़ा पहाड़ भी आदमी आसानी से चढ़ जाता है, बड़े से बड़ा लक्ष्य भी आदमी आसानी से अचीव कर लेता है, बट हाँ उसको बर्डन आता है कि ये इम्पॉसिबल है। सो इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल इस चीज के रूप में देखो, हमेशा अपने माइंड को ये प्रोग्रामिंग करो कि ये मेरे लिए संभव, मैं इसे संभव करके दिखाऊं। कैसे नहीं होता, जब आपका एटीट्यूड ऐसा होगा तो चीजें आपके अनुरूप होती चली जाएंगी। दोस्तों जो हम नई शुरुआत करने जाते हैं तो हमारा माइंड जो बर्डन डालता है कि इम्पॉसिबल है उसे इस रूप में ट्रांसफर कीजिए कि जी हाँ आने दो, अगर ये असंभव है तो भी मैं इसमें प्रयास करके देखूंगा। जिस दिन ये एटीट्यूड डेवलप हो गया वास्तव में बोलता हूं कि आप एक नया आप बन के निकलोगे। हमारे अंदर ही सारी चीजें हैं, हमारे अंदर ही सारी ताकतें हैं, बस हमारा एक फियर है वो बना हुआ है और हमें हर चीज को करने से पहले एक ऐसा थॉट देता है कि ये असंभव है, ये तुम्हारे लिए तो असंभव है, इसके पहले तुमने कभी कुछ रेफरेंस लिया ही नहीं है तो फिर कैसे उसको करोगे, और फिर हम उस रास्ते पे नहीं जाते। पर जब भी आप ऐसा कोशिश करके देखते हो तो चीजें आपको आसान लगती है। अपने लाइफ के किसी भी इंसिडेंट से एक रेफरेंस निकाल के देखो, जो भी आपको ऐसा बर्डन लगा होगा, जो भी आपको असंभव लगा होगा, उस काम पे जब आपने चलना शुरू किया, उस काम को आपने जब करना शुरू किया तो कितनी आसानी से आपने उसको अचीवमेंट कर लिया होगा। पर शुरुआती दौर में हर बदलाव के पहले हमारा माइंड हमें बर्डन देता है कि ये असंभव है, तूने इसके पहले ऐसा कुछ अचीवमेंट किया ही नहीं है तो कैसे कर पाएगा, तूने इससे पहले ऐसे टफ डिसीजन लिए ही नहीं है तो कैसे करेगा, तूने इससे पहले ऐसे हार्ड वाले लक्ष्य अचीव नहीं किया तो कैसे करेगा। बट ये बोलो कि इसके पहले नहीं हुआ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं कर नहीं सकता। अपने आप को ऐसा गाइड करो कि मैं जो चाहूं कर सकता हूं, कि हर चीज मेरे अंदर मौजूद है, हर चीज मैं ही
एनर्जी हूं। एनर्जी का डेफिनेशन यह है कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है, ना ही इसे पैदा किया जा सकता है ना ही इसको खत्म किया जा सकता है। सो आप एनर्जी हो, आपके अंदर ताकत है कि आप नया जनरेट कर सकते हो, आपके अंदर ताकत है कि आप उसको ऑपरेट कर सकते हो, और आपके अंदर वो ताकत है कि आप उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। तो अपने लिए हमेशा जनरेट करने के बारे में सोचो, अपने लिए हमेशा क्रिएट करने के बारे में सोचो, अपने लिए हमेशा जो चीज है उसे ऑपरेट करके देखो कैसे ये असंभव है, करके देखता हूं। जब तक ये एटीट्यूड आएगा नहीं तब तक हम सच में अपने लाइफ में अपने करियर में बेहतर अचीव नहीं कर सकते। सो एटीट्यूड ये डेवलप करना है कि दिस इज पॉसिबल फॉर मी, आई एम पॉसिबल। जी हाँ दोस्तों, ये एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लाइफ में क्या क्या अचीवमेंट होते हैं। और जब आप इस थॉट के साथ शुरुआत करते हो आपकी लाइफ और हसीन होती चली जाती है। सो ऑलवेज बी रेडी विथ पॉसिबल वर्ल्ड, अपने आप को उस पॉसिबल वर्ल्ड के साथ तैयार रखो कि जो भी बदलाव आएगा आई विल एक्सेप्ट एंड गो थ्रू। जब आप ऐसा बन पाए आपको कोई भी चीज की परेशानी कितनी भी बड़ी हो वो आपको बड़ी नहीं लगेगी। सो हमेशा आप अपने लाइफ में अपने करियर में आगे बढ़ते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये थॉट पसंद आया होगा, अगर ये थॉट अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टैप करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।